हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले स्क्रीन रिप्लेसमेंट, देन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरे पास ये वीडियो है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। नाउ लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर टाइप करेंगे मोका AE, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस लेयर पर। हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इस लोगो पर डबल क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, देन हमारा मोका इफेक्ट ओपन हो जाएगा। इस ब्लाइंड लेयर टूल को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इस मोबाइल को ट्रैकिंग पॉइंट से कवर करूँगा लाइक दिस। देन मैं इस टूल को सेलेक्ट करूँगा एंड ट्रैकिंग पॉइंट से स्क्रीन के एजेस पर सेट करूँगा लाइक दिस। देन मैं यहाँ पर ट्रैक आइकॉन पर क्लिक करूँगा, सो ये ट्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। नाउ अब हमारा ये ट्रैक हो चुका है। बट आप एक बार चेक कर ले कि आपका ट्रैकिंग पॉइंट परफेक्ट है या नहीं। मैं यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम चेक करूँगा। मेरा ट्रैकिंग पॉइंट सब परफेक्ट है, तो नाउ मैं यहाँ पर जाकर सेव कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर सॉलिड क्रिएट करूँगा, नेम चेंज करूँगा स्क्रीन रिप्लेसमेंट एंड क्लिक ओके। देन ये हमारा सॉलिड लेयर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं सेकंड लेयर को सेलेक्ट करूँगा एंड इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर एक्सपोर्ट ऑप्शन में सपोर्ट मोशन ब्लर सेलेक्ट करूँगा। देन क्रिएट ट्रैक डेटा लेयर वन सेलेक्ट करूँगा। लेयर एक्सपोर्ट में जाकर स्क्रीन रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई एक्सपोर्ट। ना अभी आप देख सकते हो सॉलिड लेयर स्क्रीन पर सेट हो चुका है। अब हम प्ले करके देखेंगे। स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्री कंपोज करेंगे, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स, क्लिक ओके। अब मैं फर्स्ट लेयर पर डबल क्लिक करूँगा, देन हमारा स्क्रीन रिप्लेसमेंट का कंपोजिशन ओपन हो जाएगा। नाउ मैं अभी प्रोजेक्ट में जाकर एक फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो भी ट्रैक कर सकते हो। अब मैं इसका स्केल डाउन करूँगा एंड रोटेशन चेंज करूँगा लाइक दिस। मेन लेयर पर जाकर चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ोटो है मोबाइल की स्क्रीन पर परफेक्ट है या नहीं। देन आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट नहीं है। देन अगेन स्क्रीन रिप्लेसमेंट में जाकर रोटेशन चेंज कर दूंगा -90। अब हम मेन लेयर पर जाकर चेक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमारा परफेक्ट है। बट देयर इज़ वन थिंग कि आप ये चार कॉर्नर देख सकते हो। अब इसे फिक्स करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लेयर है उसे ड्रैग करके सेकंड लेयर के नीचे ड्रॉप कर देंगे। ना अभी इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर एंड टाइप करेंगे की लाइट, सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके फर्स्ट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर की लाइट में जाकर आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे एंड ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस, अभी हमारा परफेक्ट है। अब हम प्ले करके देखेंगे।